प्रदेश में प्याज की दरों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नोएडा प्रशासन के अधिकारीगण एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जिलाधिकारी के निर्देशन में नगर मजिस्ट्रेट नोएडा शैलेंद्र कुमार मिश्र के द्वारा जन सामान्य को 35 से 38 रुपए प्रति किलो के बीच प्याज उपलब्ध कराने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में आज मंडी फेस टू नोएडा में जन सामान्य को 38 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज उपलब्ध कराई जा रही है। नगर मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार मिश्र ने समस्त जन सामान्य का आह्वान किया है कि जनपद में प्याज की कोई कमी नहीं है और सभी जनमानस को सस्ती दरों पर प्याज दिलाने की कार्यवाही जिला प्रशासन कर रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए नोएडा में 2 मोबाइल वैन एवं ग्रेटर नोएडा में 1 मोबाइल वैन के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर 38 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज की बिक्री जन सामान्य को की जा रही है। मैं सिटी मजिस्ट्रेट गौतमपुर नगर मंडी से हम जनता से सभी आह्वान करते हैं कि यहाँ पे फेयर प्राइस साफ 35 रुपए किलो प्याज दिया जा रहा है जनता को और प्याज की मात्रा में कोई कमी नहीं है। हमारे पास 2 पोर्टेबल वाहन सिटी में चल रहे हैं, आज दादरी और ग्रेटर नोएडा में एक वाहन चला करके पोर्टेबल शॉप लगा करके प्याज कराएंगे। इसका योजना बनी है कि लाउड स्पीकर बताया जाए और लाउड स्पीकर से हम लोग इसका प्रचार करेंगे कि आज सभी लोग फेयर प्राइस साफ कहाँ कहाँ पे चल रहे हैं और 35 रुपए में साधारण प्याज दिया जा रहा है। साधारण क्वालिटी अच्छा क्वालिटी के प्याज जरूर महंगे हैं लेकिन साधारण क्वालिटी के प्याज जो एडिबल है और वो 35 रुपए किलो हम यहाँ पे दिला रहे हैं और ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे सचिव मंडी भी हमारे साथी है।